हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के बारे में डिस्कस कर चुका था। ब्रेन के मेनली जो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में जो रीजन्स होते हैं, सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के अलावा वहां पे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अबाउट ऑल दीज पार्ट्स राइट आई ऑलरेडी हैव डिस्कस इन डिटेल इन माय लास्ट लेक्चर। इसके अलावा मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को समझना भी बहुत जरूरी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइंड ब्रेन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड There are 3 main regions of the hind brain. Hind brain के 3 regions होते हैं, right? पहला होता है pons, उसके बाद medulla, medulla oblongata भी इसको आप बोलते हैं, and जो तीसरा region होता है वो होता है cerebellum. About all these 3 regions, I am going to discuss in detail about the functions of all these 3 regions. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉन्स के बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स? पॉन्स, दिस इज द वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है और पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। यानी कि इसका जो प्राइमरी रोल है पॉन्स का, वो है इंटरकनेक्शन विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है पॉन्स। ये इसका एक प्राइमरी रोल है, ठीक है? तो पॉन, दिस इज द पॉन्स, दिस इज द वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज एंड इट मींस ब्रिज। एंड ब्रिज का काम क्या होता है? कनेक्ट करना। तो यहां पे जो पॉन्स का जो रोल है, जो प्राइमरी रोल है, इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इंटर कनेक्ट करने का काम करता है पॉन्स। इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, दिस इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स, ठीक है? पॉन्स इंटरकनेक्शन का काम करता है। इसके अलावा जो पॉन्स है, पॉन्स में यहाँ पे एक सेंटर होता है जिसको आप बोलते हो न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पॉन के अंदर एक स्पेशल सेंटर होता है जिसको आप न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। याद रहे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है? इट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आपने पढ़ा है राइट, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। तो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को घटाने का काम करता है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट? रिड्यूस द इंस्पायरेशन ड्यूरेशन। ये इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, दिस इज द रोल ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अगर इंस्पायरेशन ड्यूरेशन रिड्यूस होगी तो ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट आल्सो। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है। सो दिस इज अबाउट पॉन्स। तो पॉन्स, दिस इज द वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज एंड इट मीन्स ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है जो कनेक्ट करता है। तो इसका जो प्राइमरी रोल है वो है इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है ये रीजन, राइट? इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को घटाता है और ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। तो ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है। सो दिस इज अबाउट पॉन्स। पॉन्स के बाद जो नेक्स्ट रीजन है मेडुला गेट एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द सेरेबेलम आल्सो। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन दैट वी कॉल्ड मेडुला ओब्लोंगेटा। सी, नेक्स्ट रीजन इज मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मेडुला ओब्लोंगेटा। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पार्ट है।
अब इस हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा आप कहते हैं, इसका जो प्राइमरी रोल है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, वो क्या प्राइमरी रोल है? अगर मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करूं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का एक बहुत ही क्रूशियल रीजन है। ठीक है, आर यू गेटिंग ऑन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, इसके अंदर 3 सेंटर्स होते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, कार्डियो वैस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट सेंटर्स होते हैं। इसका जो पहला फंक्शन है, इट पॉसेस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसके पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जैसे पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, इसके पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का रोल क्या है ये जान लीजिए। इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का काम क्या है? कंट्रोल द रिदम ऑफ, कंट्रोल द ब्रीदिंग रेट। ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्रीदिंग रेट अगर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करता है, कम हो जाता है तो उसको कंट्रोल करता है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेकेंड क्या है? इसके पास कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी है। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, ये जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, इसका क्या रोल है, ये क्या रोल प्ले करता है? तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की बात करूं, सो दिस कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कंट्रोल द हार्ट बीट। हार्ट बीट को बढ़ाने का काम हो या घटाने का काम हो, तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है। दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करने का काम करता है ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। तीसरा जो है वो है राइट, तो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हो गया। एंड जो तीसरा है, थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूं, तीसरा रीजन क्या है यहाँ पे, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड रीजन ऑफ दिस, तो तीसरा जो रीजन है वो है गैस्ट्रिक सेंटर। गैस्ट्रिक सेंटर का क्या रोल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। गैस्ट्रिक सेंटर कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पार्ट। आपके जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं, गैस्ट्रिक जूस हैं, पैनक्रेटिक जूस हैं या इंटेस्टिनल जूस हैं, जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक सेंटर। ठीक, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो मेजर रीजन हैं, यहाँ पे जो मेजर पार्ट्स हैं, इसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है दैट कंट्रोल द ब्रीदिंग रेट। सेकेंड क्या होता है इसमें, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या काम करता है, दैट कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो तीसरा जो रीजन होता है गैस्ट्रिक सेंटर होता है, गैस्ट्रिक सेंटर का काम क्या होता है, कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो इन सब का सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, जिससे कि डाइजेशन पॉसिबल हो पाए। तो ये एसेंशियल फंक्शंस हैं, दीज ऑल आर द वेरी क्रूशियल फंक्शंस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा डैमेज हो जाए तो इंस्टेंट डेथ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सब कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ऑल्सो ए वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक क्रूशियल पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा यहां पे एक रीजन और है इसमें, वॉमिट सेंटर, राइट, वॉमिट सेंटर, वॉमिट सेंटर भी होता है दैट कंट्रोल द वॉमिटिंग एंड फीलिंग ऑफ नोजिया जो डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो है, दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। एंड इससे पहले मैं पॉन्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं डिटेल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, और द हाइंड ब्रेन इज सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सेरेबेलम इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सेरेबेलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो सेरेबेलम की हम बात कर लेते हैं, सो लिसन केयरफुली अबाउट सेरेबेलम ऑल्सो।
नाउ सी सेरेबेलम सेरेबेलम दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन यू नो बॉडी के अंदर जितनी भी स्किलफुल मूवमेंट होती है जितनी भी इन्वॉलेंट्री मूवमेंट होती है इन्वॉलेंट्री कंट्रोल द इन्वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स स्केलेटल मसल्स की वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब रीजन ऑफ द सेरेब्रम लेकिन जो इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है उन इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स को राइट कंट्रोल करता है सेरेब्रम याद रहे कंट्रोल्ड स्किलफुल इन्वॉलेंट्री मूवमेंट राइट स्किलफुल का मतलब समझ रहे हैं आप स्किलफुल का मतलब क्या है कि सपोज दैट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती है और कुछ चीजें यू नो सपोज दैट इफ यू वांट टू लर्न द ड्राइविंग अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो एट द बिगिनिंग टाइम जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हैं उस टाइम पे आप बड़े कॉन्शियस होके गाड़ी चलाते हैं बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होके कि कहीं से गाड़ी साइड में से कहीं ठुक ना जाए है ना कहीं से कोई खरोच ना लग जाए या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए तो बड़ा कॉन्शियस होके आप स्टार्टिंग में जब बिल्कुल नए नए ड्राइवर होते हैं आप तो बड़ा ही कॉन्शियस होके आप ड्राइव करते हैं यानी कि जो कॉन्शियस मूवमेंट है तो ड्राइविंग जो हो रही है वो हाथों पैरों की मूवमेंट की वजह से हो रही है एक पैर एक्सीलरेटर पे है एक पैर ब्रेक पे है ना स्टीयरिंग पे भी है आपके हाथ तो वो आप उस टाइम पे बड़ा ही कॉन्शियस होके आप ड्राइव करते हैं और बड़ा ही ध्यान से आप ड्राइव करते हैं कोई आसपास कोई भी एक्टिविटी चल रही होती है तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पे होता है तो उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है कॉन्शियस माइंड यानी कि सेरेब्रम काम करता है लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाते हैं एक्सपर्टीज हो जाते हैं किसी भी चीज में तब आप अनकॉन्शियसली भी आपका ब्रेन काम करता है देखना जब आप ड्राइविंग में परफेक्ट हो जाते हैं तो आप अनकॉन्शियसली ड्राइव करते हैं तो हाथ पैर आपके ऑटोमेटिकली काम करते हैं आपको सोचना नहीं पड़ता लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा सोचना पड़ता है तो जब आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाते हैं एक्सपर्टीज हो जाते हैं तो आपके हाथ पैर इन्वॉलेंटरीली काम करते हैं स्किल आ गया आपके पास आप स्किल सीख चुके हैं है ना तो ऐसी जो मूवमेंट है स्किलफुल मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेरेबेलम जो कि अनकॉन्शियस है लेकिन जो कॉन्शियस वाली जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है सेरेब्रम जैसे कि आप स्टार्टिंग में गिटार बजाना सीखते हैं तो गिटार बजाते टाइम आप एक एक यू नो प्रॉपर तरीके से एक एक जो उसके अंदर सिस्टम होता है उसको बड़ी सावधानी से आप प्ले करते हैं या कुछ भी ऐसा सिंगिंग सीखते हैं तो वोकल पे आपको प्रैक्टिस नहीं होती लेकिन बाद में जब आप किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तो वो काम ऑटोमेटिक होता है वो काम इन्वॉलेंट्री होता है और ऐसे स्किल्ड वर्क को ऐसे इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है सेरेबेलम ठीक है इवन ये जो सेरेबेलम है इट ऑल्सो कंट्रोल द फास्ट मूवमेंट ऑफ बॉडी रैपिड मूवमेंट ऑफ बॉडी राइट ये बात आपको याद रखनी है कंट्रोल द रैपिड मूवमेंट्स ऑफ बॉडी बॉडी की रैपिड मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है सेरेबेलम रैपिड मूवमेंट्स में जैसे कि अगर मैं रैपिड मूवमेंट्स की बात करूं इसमें जैसे कि रनिंग फास्टली आप भाग रहे हैं ठीक है फ्लाइंग राइटिंग लिख रहे हैं स्टार्टिंग में जब आप लिखना सीखते हैं जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ा कॉन्शियसली लिखते हैं है ना बाद में जब एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तो आप आसानी से लिख देते हैं तो फास्ट मूवमेंट स्किल्ड मूवमेंट होती है इन्वॉलेंट्री होती है फास्ट मूवमेंट बिना सोची की जाती है तो रनिंग फ्लाइंग राइटिंग ये सब फास्ट मूवमेंट है रैपिड मूवमेंट्स को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो आपका सेरेबेलम रीजन करता है राइट यू नो सबसे जो एडवांस सबसे जो हाईली डेवलप्ड सेरेबेलम माना जाता है वो बर्ड्स में माना जाता है क्योंकि बर्ड्स फ्लाइंग भी करते हैं हमारी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो टू डायमेंशनल डायरेक्शन में होती है हम सिर्फ धरती पे चलते हैं राइट यानी टू डायमेंशन में भी चलते हैं लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो थ्री डायमेंशन मूवमेंट देखा जाता है वो ऊपर जा सकते हैं नीचे आ सकते हैं सीधे जा सकते हैं पीछे आ सकते हैं किसी भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्यों क्योंकि टू डायमेंशनल मूवमेंट हो रही है आपका सेरेबेलम इतना एडवांस नहीं है जितना एडवांस बर्ड्स का होता है क्योंकि उसमें थ्री डायमेंशनल मूवमेंट टेक प्लेस करते हैं राइट सो मोस्ट एडवांस जो सेरेबेलम है मोस्ट एडवांस सेरेबेलम किसका होता है बेटा दैट इज ऑफ बर्ड्स बर्ड्स का मोस्ट एडवांस सेरेबेलम होता है तो इसी के साथ हिंड ब्रेन इज कंप्लीट हाइंड ब्रेन सॉरी
प्रोनाउंसिएट इट हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स बताए मैंने आपको, बताए पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम। फिर से सुन लीजिए, पॉन्स को एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रिज, यानी कि इंटरकनेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को। इसके अलावा जो पॉन्स है उसके अंदर एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि रिड्यूस द इंस्पायरेशन ड्यूरेशन, यानी कि ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है ना। इसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ ब्रेन, इसमें काफी सारे सेंटर्स होते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है दैट मेंटेन द ब्रीदिंग रेट। इसके अंदर गैस्ट्रिक सेंटर होता है दैट यू नो मेंटेन द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर क्या करता है दैट मेंटेन द हार्ट बीट रेट, राइट। एंड वॉमिट सेंटर भी होता है, यानी कि जो फीलिंग ऑफ नोजिया है या वोमिटिंग आपको हो रही है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। इसके बाद हमारा सेरेबेलम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितनी भी स्किलफुल इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है जो कि ऑटोमेटिकली आप काम करते हैं, ऐसी मूवमेंट यानी कि जो आपको सीखनी पड़ती है, राइट, उन्हें आप स्किलफुल मूवमेंट कहते हैं। जब आप सीख लेते हैं उस चीज में, एक्सपर्टीज हो जाते हैं, तो वो एक्शन ऑटोमेटिकली होता है। जैसे ड्राइविंग आप सीख रहे हैं, सिंगिंग आप सीख रहे हैं, वोकल कोड की मूवमेंट होती है, या फिर आप जो है कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, यानी कुछ भी ऐसा जो आप सीख रहे हैं और सीखने के बाद आप हाईली स्किल्ड हो जाते हैं, एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, तब आपका सेरेबेलम काम करता है इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, यानी कि रैपिड मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है सेरेबेलम। डांसिंग यू नो एक स्किल है डांसिंग भी, तो ये स्किलफुल मूवमेंट भी यू नो स्टार्टिंग में जब आप डांसिंग के स्टेप सीखते हैं वेरी कॉन्शियसली आप काम करते हैं, लेकिन जब आप डांसिंग में परफेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो यू नो जो भी स्टेप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सेरेबेलम का इन्वॉल्वमेंट हो गया है ना, स्किलफुल मूवमेंट, यानी कि ठीक है रैपिड मूवमेंट को जो कंट्रोल करता है वो भी सेरेबेलम करता है। रैपिड मूवमेंट फ्लाइंग यू नो फ्लाइंग हो गया, रनिंग हो गया, इस तरह की जो मूवमेंट्स है, फ्लाइंग हो गया, रनिंग हो गया, राइडिंग हो गया, सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स कंट्रोल बाय सेरेबेलम। So this is all about the functions of hind brain. ये hind brain के major functions हैं, right? And this is all about the brain, right? तो now इसी के साथ, इस hind brain के साथ ही, ये सभी function के साथ brain वाला topic complete होता है। इसके बाद my another topic is control and coordination in plants. Plants में control and coordination कैसे होता है? Plants में movement कैसे होती है? Plants में किस type की movements होती हैं? राइट, प्लांट्स में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, आई विल डिस्कस अबाउट द केमिकल हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट्स आल्सो, बट अबाउट द प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो राइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।